मैम, जी थैंक यू। वी आर लाइव ऑन साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रणदीप जी, सुरजेवाला जी और मैं आपके समक्ष कुछ बात रखना चाहते हैं हरियाणा सरकार की कारगुजारी के बारे में। जैसा कि समय समय पर उजागर होता रहा है, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार बनी है, रोज नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। हम आपसे पहले भी रूबरू हुए और हरियाणा में अनेकों घोटालों के बारे में बात की। किस किस घोटाले की बात करें, एक और रजिस्ट्री घोटाला। रजिस्ट्री घोटाला में आपने देखा कि कैसे बहुत सफाई से चंद अफसरों के ऊपर बात डाल दी गई, वो भी छोटे छोटे अफसर, और उन पर भी ऐसी धाराएं लगाई जो एकदम खत्म हो जाएंगी। ना करप्शन की बात हुई ना कुछ और, क्योंकि करप्शन नाम से ये सरकार दूर भागती। कोई भी घोटाला है, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला या फिर शराब का घोटाला, क्या आप मानते हैं, क्या हरियाणा की जनता ये मानती है कि बिना सरकारी, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये कार्य हो सकता था? ये बातें साफ आपके सामने है। शराब घोटाले की हम बात करें तो जब ये बात उजागर हुई, हमने आपके समक्ष रखी, जनता के सामने आई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एसआईटी गठित की गई, पहले पहले वो गठित किया और फिर फौरन बात, जब असलियत लगा कि असलियत सामने आ जाएगी, तो उसको एसईटी में तब्दील कर दिया मैं। अब एसईटी का क्या मतलब था? पर्दा डालने की बात थी, असली मुद्दे पर ढक्कन रखने की बात थी, ताकि जो बातें उजागर होना चाहिए वो उजागर ना हो। हालांकि इस सरकार में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एसीटी हो एसआईटी हो बेमायने है, लेकिन खुद इन्होंने एसआईटी को डाउनग्रेड करके एसीटी में तब्दील कर दिया। लेकिन उसकी भी जब रिपोर्ट आई और कल हरियाणा के लोगों के सामने रखी गई, छिपाने की बहुत कोशिश की गई, और अब कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक और जांच बैठाई जाएगी विजिलेंस की। तो साथियों आप सब जानते हैं कि ये एक मजाक है, मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। पर्दे पर पर्दा डाला जाए, लोगों का ध्यान बांटा जाए, और सोचते हैं कि जनता को गुमराह कर देंगे और ये बात ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन ये बात ठंडी पड़ नहीं सकती, क्योंकि आपने देखा कि इस रिपोर्ट के माध्यम से भी, मैं मुझे मालूम नहीं है, हमारे साथियों ने, आपने जरूर इसको बारीकी से पढ़ा होगा, लेकिन मुझे जो अभी बताया गया कि शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल भी हुई, आज भी हुई, और बहुत ही सफाई से इसकी असली बातों से लोग पीछे हट गए हैं। जो मंत्री हैं या जो भी हैं, अभी मुख्यमंत्री जी ने तो शायद इस पर अभी मुंह नहीं खोला है, क्या बोलेंगे वो देखने की बातें हैं। तो साथियों रणदीप जी आपको डिटेल में जरूर बताएंगे, लेकिन मैं चंद बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट जरूर करना चाहूंगी कि जो ये एक ऑपरेशन कवर अप किया जा रहा है, वो कवर अप कितने दिन रह पाएगा? क्योंकि खुद इस रिपोर्ट ने माना है, इस रिपोर्ट को अगर आप बारीकी से देखेंगे, पूरी तरह से पढ़ेंगे, तो रिपोर्ट ने खुद इन्हें इंडाइट किया है। मिसाल के तौर पर एसीटी ने अपनी रिपोर्ट के शुरू में ही ये मान लिया है, स्वीकार लिया है, पेज 3 चैप्टर 2 एसीटी की रिपोर्ट आप देख लीजिए, कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश का कोई अधिकार दिया ही नहीं गया। यानी ना तो वो रिकॉर्ड देख सकते हैं, ना गोदाम, ना डिस्टिलरीज की जांच कर सकते थे, और ना ही कागजात कोई जब्त कर सकते थे, ना कोई मुकदमा दर्ज करा सकते थे, और ना ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 2H व 2O
के अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एक टूथलेस एसीटी बनाई उसकी रिपोर्ट भी आप देख लीजिए, टूथलेस एसीटी जो बनाई ताकि असली बात सामने ना आ सके, उस एसीटी ने भी जो रिपोर्ट दी है उसमें बातें स्वीकारी हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि 1 अप्रैल 2019 से 10 मई 2020 के बीच हरियाणा में जमकर, आप कृपया नोटिस कीजिए बात को जो हम कह रहे हैं, शब्द जमकर नाजायज शराब की बिक्री हुई है। आप चैप्टर 5.1 देख लीजिए, पेज 24 एसीटी की रिपोर्ट। ये खुद उन्होंने इस बात को स्वीकारा है, साथ में उन्होंने स्वीकारा है कि लॉकडाउन की अवधि में पुराने सालों के शराब का स्टॉक भी बेच डाला गया। इस बात को आप लोगों ने भी देखा और उजागर किया। ये सारे जानते हैं कि पुरानी जितनी शराब थी उसको निकाल दिया और बेच दिया, पता ही नहीं चला। एसीटी ने ये भी स्वीकारा है कि लॉकडाउन की अवधि में शराब के ठेकों के नजदीक शराब के स्टोर से निकाल कर खुले आम सरे आम शराब बेची गई है। चैप्टर 5.1 पेज 24। एसीटी ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में शराब की बिक्री पर रोक लगाने तथा शराब के ठेके बंद होने के बावजूद भी एक्साइज टैक्सेशन विभाग ने खुलकर सरेआम शराब की ट्रांसपोर्टेशन के परमिट व पास जारी किए। चैप्टर 5 पैरा 8 पेज 31, कृपया आप रिपोर्ट को जरूर देख लें। ये साफ बताता है कि शराब माफिया द्वारा सरकार की मिलीभगत से ही शराब की तस्करी और बिक्री का खुला खेल खेला गया। एसीटी ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में 1 अप्रैल से 5 मई 2020 के बीच हरियाणा स्थित शराब की 3 फैक्ट्रियां शराब बनाती रही, पर न जाने किन कारणों से एसीटी ने इन फैक्ट्रियों की जांच करने से लिखित तौर से इनकार कर दिया। ये रिकॉर्ड की बात है साथियों, हमने आपसे शुरू में भी कहा था शराब के बारे में, हमने एक बार नहीं बार बार आपसे बात की है, तो आप देख लीजिए उसके बावजूद 3 फैक्ट्रियों को कैसे इजाजत मिली, कैसे वो शराब बनाते रहे ऐसे इस दौरान। सेट ने एसीटी ने यह भी स्वीकारा है कि हरियाणा की एक और शराब फैक्ट्री एनवी डिस्टिलरी शराब तस्करी में संलिप्त पाई गई है, परंतु एक्साइज टैक्सेशन विभाग ने न खुद इसकी जांच की और ना ही एसीटी को एनवी डिस्टिलरी में जाकर जांच करने की इजाजत दी। अगेन चैप्टर 5 पैरा 9 पेज 37 to 38, साथियों कृपया आप पढ़ लीजिए। एसीटी ने स्वीकारा कि लॉकडाउन की अवधि में नाजायज शराब की बिक्री बारे प्रांत में हजारों एफआईआर दर्ज हुई। तो ये एफआईआर कैसे दर्ज हुई अगर कुछ गलत या घोटाला हुआ ही नहीं, तो एसीटी ने खुद ये बातें स्वीकारी। एसीटी ने स्वीकारा कि लॉकडाउन की अवधि में नाजायज शराब की बिक्री अवधि में एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग तथा डिप्टी कमिश्नर्स की टीम की जांच के बाद कुल कितनी शराब की बोतलें स्टॉक में कम पाई गई या फिर कितनी दो नंबर की शराब अतिरिक्त पाई गई, पूरी इसके बारे में पूरी जानकारी एसीटी को उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो ये क्या इंक्वायरी कर पाएंगे। तो साथियों ये सारी बातें आपने देखा, सामने आई थी बात कि लॉकडाउन में 1 करोड़ बोतलों की शॉर्टेज मतलब तस्करी पाई गई और 19 लाख बोतलें एक्सेस, इसका मतलब 2 नंबर की शराब जो ये बन रही थी सरेआम और बिक रही थी, 2 नंबर की शराब पाई गई है। फिर भी ये जानकारी क्या हम पूछ सकते हैं कि एसीटी को क्यों नहीं दी गई। एसीटी ने यह भी स्वीकारा कि खरखौदा सोनीपत में की शराब तस्करी के केस में तथा कथित शराब तस्कर भूपेंद्र
को हरियाणा पुलिस द्वारा गनमैन और आर्म्स लाइसेंस दिए गए थे। किसके कहने पर हुआ ये सब? क्या बताना चाहेंगे? क्या सामने ला पाएंगे इन बातों को? साथियों, ये बहुत सी बात ये बातें हैं, कुछ बिंदु हमने आपके सामने रखे हैं, लेकिन और भी बहुत ज्यादा है। करीब 50 पेज की ये रिपोर्ट है, सारी बात आप देख लीजिए। लेकिन ये क्या बिना मिली भगत के खट्टर सरकार के देख रेख में जो हुआ है, क्या ये इसको सामने आने देंगे? क्या ये सामने लाना चाहेंगे? क्या रिपोर्ट, क्या ये जिस तरह से एक इंक्वायरी पर दूसरी इंक्वायरी बिठा रहे हैं, क्या आपको किसी को भी विश्वास है कि असलियत सामने आ सकती है? इसलिए कांग्रेस पार्टी, सुरजेवाला जी और मैं, हम ये डिमांड रखते हैं, ये डिमांड रखते हैं कि इस चीज को जो छिपाने की कोशिश की जा रही है, इसका पर्दाफाश ऐसे कभी नहीं होगा, ना ये होने देंगे। हमारी डिमांड है, सुरजेवाला जी की और मेरी, कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज ही इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। उससे कम कोई भी इंक्वायरी ना तो स्वीकार्य हो सकती है और ना वो साफ बात तथ्यों को सामने ला सकती है। इसलिए हमारी ये डिमांड है साथियों, ये सरकार घोटालों की सरकार, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बार बार रणदीप जी को और मुझे ऐसी बातें आपके सामने लानी पड़ती हैं, ऐसे घोटाले सामने लाने पड़ते हैं कि आज के दिन जहां एक ओर कोविड से सारा देश प्रदेश जूझ रहा है, इसकी आड़ में हरियाणा में जो करप्शन चरम सीमा पर चल रहा है, उसको कैसे रोका जाए? ये सरकार तो चाहती है कि इसी तरह की स्थिति बनी रहे और ये लोग आराम से, इनकी मिलीभगत से जो ये कार्य हो रहे हैं, उस पर पर्दा डालते रहें, जनता को गुमराह करते रहें और हरियाणा की जनता एक ओर कोविड से जूझती रहे और दूसरी ओर उनकी जेबें इन स्कैम्स के माध्यम से खाली होती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगी रणदीप जी से, क्योंकि आप जानते हैं रणदीप जी की जो स्टडी है वो पूरी पुख्ता होती है, एक-एक तथ्य, एक-एक बारीकी से जो ये देखते हैं, जो लोग नहीं देख सकते, वो सारी बातें ये आपके सामने रखेंगे। रणदीप जी, आप कृपया और पर्दाफाश कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, शैलजा जी ने तब से आपको शराब घोटाला जो कांग्रेस पार्टी में शैलजा जी ने और मैंने आपके समक्ष रखा था, हरियाणा प्रदेश की जनता के समक्ष रखा था, वो आपके समक्ष उसके कई पहलू आज रखे। दोस्तों, चार या पांच बातें बड़ी साफ हैं। नंबर एक, शराब माफिया और खट्टर सरकार का गठजोड़ अब जनता के सामने उजागर हो गया है। नंबर दो, आधी अधूरी जांच के माध्यम से छोटी छोटी मुर्गियों को पकड़कर रसूखदारों और असली गुनाहगारों को जो खट्टर सरकार में, भाजपा जजपा सरकार में बड़े बड़े पदों पर आसीन है, उनको बचाने का साफ षड्यंत्र किया जा रहा है। तीसरी बात, खट्टर सरकार द्वारा रसूखदारों और गुनाहगारों को, वो आला अफसर हों या राजनीतिज्ञ हों, उनको बचाने के प्रयास से साफ है कि सरकार शराब माफिया के साथ संलिप्त हो और उस गठजोड़ में अब उसकी परतें धीरे धीरे प्रदेश की जनता के समक्ष खुल गई है। और इसमें स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को हटाकर। पर यह खट्टर सरकार का दुर्भाग्य ही है कि वो लोग जो पर्दा डालना चाहते थे साजिशन, इस स्पेशल इंक्वायरी टीम की आधी अधूरी रिपोर्ट में भी कई तथ्य खुलकर सामने आ गए जिनके 10 पहलुओं की हमने चर्चा की है। पर पांच बड़ी बातें सामने आई है। नंबर एक, स्पेशल इंक्वायरी टीम ने अब यह स्वीकार लिया है कि लॉकडाउन की अवधि में जमकर शराब की तस्करी भी हुई
और नाजायज शराब की बिक्री भी हुई। इसके लिए कौन जुम्मेवार है? अगर मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जुम्मेवार नहीं तो। दूसरी बात यह भी सामने आ गया कि शराब के गोदामों से निकाल कर खुलेआम शराब की बिक्री हुई, लॉकडाउन के अंदर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद, लॉकडाउन के अंदर शराब के ठेके खोलने पर प्रतिबंध होने के बावजूद, लॉकडाउन में शराब के एल्बम स्टॉक पर बैन होने के बावजूद, एक्साइज और टैक्सेशन विभाग जिसके मंत्री खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, शराब की ट्रांसपोर्टेशन के परमिट और पास जारी करता रहा जिनके माध्यम से शराब की तस्करी हुई। आप ये खुद समझ सकते हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जब शराब की तस्करी के लिए परमिट और पास जारी हो तो उसके क्या मायने और मतलब हो सकते हैं। तीसरी बात जो बहुत चौंकाने वाली है, इस आधी अधूरी जांच में इस स्पेशल इंक्वायरी टीम ने एक फाइंडिंग दे दी जिससे खट्टर सरकार की कलई ही खुल गई है। उन्होंने ये कहा के तीन डिस्टिलरी 1 अप्रैल 2020 से 5 मई 2020 के बीच यानी लॉकडाउन और शराबबंदी की अवधि में भी शराब बनाती रही। ये कहां गई शराब? और यहां तक कि एक एनवी डिस्टिलरी जो है उसके बारे में तो शराब तस्करी में संलिप्त होने की फाइंडिंग दी। मैं आपको केवल वो पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो पेज 37 और पेज 38 के ऊपर है। और उसमें यह भी कहा कि जब स्पेशल इंक्वायरी टीम ने एक्साइज टैक्सेशन विभाग जिसके मंत्री श्री दुष्यंत चौटाला हैं और जिनके मुखिया प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जब स्पेशल इंक्वायरी टीम ने कहा कि इस शराब तस्करी की जांच करने हम एनवी डिस्टिलरी जाना चाहते हैं, तो हरियाणा सरकार ने स्पेशल इंक्वायरी टीम को लिखकर कहा कि आपको जांच करने और वहां जाने का अधिकार ही नहीं। ये बड़ी रुचिकर बात है साथियों, जो मैं आपको दो लाइन इसकी पढ़कर बताऊंगा। पेज 37 पेज 38 पर हमने पन्ना तो इसमें लिख दिया है आपके लिए और वहां ये कहते हैं, एंड आई रीड फॉर यू, इट्स हियर। उन्होंने कहा द फैक्ट दैट एनवी डिस्टिलरी इज इन्वॉल्व्ड इन स्मगलिंग ऑफ लिकर वॉज एक्सप्रेस्ड बाय मेजोरिटी ऑफ द ऑफिसर्स विद इंटरेक्टेड। हाउएवर ऑन 3rd July 2020 द विजिट ऑफ SCT कुड नॉट मेटीरियलाइज ड्यू टू टेलीफोनिक इंटीमेशन बाय श्री सो एंड सो फ्यू आवर्स बिफोर हिज डिपार्चर ऑफ हिज प्री ऑक्यूपेशन। हेंस ए रिटन रिक्वेस्ट फॉर फैसिलिटेटिंग विजिट ऑफ SCT टू ए डिस्टिलरी ऑन 18th July वाज सेंट टू ETC रिगार्डिंग व्हिच अ रिस्पांस डेटेड 28 जुलाई हैज बीन रिसीव्ड व्हेन SCT वाज इन द फाइनल स्टेज ऑफ फाइनलाइजिंग हिज रिकमेंडेशन स्टेटिंग दैट द मैटर वाज लीगली एनालाइज्ड and request of SCT to visit the distillery premises is not covered under the provision of the act. This is nothing but an attempt to block the visit of SCT to a distillery. तो वहां जाने ही नहीं दिया। एक बड़ी और उन्होंने इंटरेस्टिंग फाइंडिंग दी कि पूरे हरियाणा में हजारों FIR शराब तस्करी की लॉकडाउन के पीरियड में दर्ज है। अब उन हजारों FIR की कब जांच होगी, कौन दोषी है, कितने करोड़ों रुपए की शराब की तस्करी हुई, कैसे पकड़ी गई, सरकार में चंडीगढ़ के सचिवालय में बैठे किस किस व्यक्ति का हाथ है, आप और मैं सब समझते हैं हजारों FIR की कभी जांच हो ही नहीं सकती। एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग उन्होंने दी कि जो शराब तस्कर हैं, जैसा शैलजा जी ने कहा, उनको गनमैन और आर्म्स लाइसेंस खट्टर सरकार दे रही थी। मैंने पहले ही एक पत्रकार गोष्ठी की और उसमें बताया था कि डिप्टी कमिश्नर्स ने जो जांच की, और शैलजा जी को ये याद है, डिप्टी कमिश्नर्स ने जो जांच की थी
उसमें 1 करोड़ शराब की बोतलों, शराब बियर और वाइन की बोतलों की शॉर्टेज पाई गई थी, और 19 लाख बोतलें जिन पर कभी एक्साइज ड्यूटी दी ही नहीं गई, जिसको 2 नंबर की शराब कहते हैं, वो अतिरिक्त पाई गई। तो 1 करोड़ 20 लाख तो स्टॉक के अंदर शॉर्टेज या अतिरिक्त पाई गई। कितने करोड़ों बोतलें बेच दी गई, इसका ये कभी जांच में आया ही नहीं। परंतु वो 1 करोड़ 19 लाख बोतलों का हिसाब भी स्पेशल इंक्वायरी टीम को एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्हें SIT की पावर ही नहीं थी। तो ये गड़बड़ झाला, घोटाला, जो गुनाहगार सफेद पोश या वर्दी में बैठे लोग हैं या अफसर हैं, उनका चेहरा सामने ना आए, इसलिए जांच पर जांच पर जांच बिठाई जा रही है। ठीक कहा शैलजा जी ने, बिल्ली को दूध की रखवाली बिठा दिया गया है। जब बिल्ली दूध की रखवाली बैठेगी तो जांच करेगा कौन? स्पेशल इंक्वायरी टीम में तो ADGP रैंक का ऑफिसर है और सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर है। अब इस जांच पर एक SHO को जांच के लिए बिठा दिया गया। आप सब समझ सकते हैं कि ये SCT रिपोर्ट में ही खट्टर सरकार को, भाजपा जजप्पा सरकार को, उनकी खुद की इंक्वायरी ने इंडाइट कर दिया। क्या इसके बाद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर सामने आकर इन 10 बिंदुओं का जवाब देने का साहस दिखाएंगे? और अगर नहीं, तो ये साफ है कि ये जांच पर जांच पर जांच, यानी बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाना, ये केवल और केवल पूरे मामले पर पर्दा डालना है। इस स्पेशल इंक्वायरी टीम की आधी अधूरी जांच में भी भाजपा जजप्पा सरकार के शीर्षतम स्तर पर बैठे लोगों को का दोष और संलिप्त हुआ पाया जाना अब साफ है, जैसा 10 बिंदु शैलजा जी ने पढ़कर बताए। तो इसलिए हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज ही इस मामले की जांच करें, क्योंकि जब जांच के इशारा और जांच में संलिप्त होने का इशारा सीधे सीधे सबसे बड़े पदों पर बैठे लोगों की तरफ गया, तो कितने हजार करोड़ का शराब घोटाला हुआ, शराब माफिया से हरियाणा में कौन सा राजनेता मिला हुआ है, कौन सा अधिकारी और पुलिस के लोग मिले हैं, इसकी जांच वो खुद नहीं कर सकते, इसकी जांच केवल हाईकोर्ट के सिटिंग जज करेंगे, और यही हमारी मांग है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। धन्यवाद जी। बलवंत तक्षक जी, नमस्कार। अंदीप जी, प्रणाम। तक्षक नमस्कार, प्रणाम। देखिए, जो मौजूदा गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनका ये कहना था कि इस जांच से कई बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, और आप ये मान रहे हैं जिसमें बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है। तो आपके पास जो रणदीप जी रिपोर्ट आई है, उसमें ऐसे कौन से बड़े चेहरे हैं जो SIT की जांच में सामने नहीं आए? आदरणीय तक्षक साहब, अगर आपने शैलजा जी द्वारा बताए गए 10 निष्कर्ष जो हमने निकाल कर आपके समक्ष रखे हैं, और जो हमारी प्रेस विज्ञप्ति हम आपको अभी देंगे, उससे साफ है कि एक भी चेहरा बेनकाब नहीं किया गया, क्योंकि जांच रिपोर्ट के हाथ पीछे बांध दिए गए, पांव पर रस्सी बांध दी गई, मुंह पर और आंख पर कपड़ा बांध दिया गया। पर इसके बावजूद भी घोटाला इतना बड़ा और साफ था कि ना चाहते हुए भी 10 बड़े बिंदुओं पर सरकार और शराब माफिया के गठजोड़ की संलिप्तता बेनकाब हो गई। अब उस संलिप्तता में कौन से चेहरे हैं, और सरकार में, सचिवालय में किस किस पद पर बैठे हैं, सरकार क्यों डामाडोल हो रही है, सरकार क्यों हिल रही है, उन चेहरों का नाम सामने लाते हुए ये एक SHO जांच में निर्णय नहीं कर सकता। इसीलिए हम पहले दिन से कहते आए हैं, यहां तो बिल्ली दूध की रखवाली बनी बैठी है, और अब पहली बार इस सरकार की खुद की इंक्वायरी रिपोर्ट ने सरकार के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को दोषी पाया है। अब एक सिटिंग जज बैठे
और वो चेहरे बेनकाब हों ताकि फिर उनको सजा दी जाए। धन्यवाद। रामचंद्र लठवाल जी। नमस्कार भाई साहब। जी प्रणाम लठवाल साहब। आवाज मिल रही है आपको? जी प्रणाम सर। आपने जैसे कि कहा है जांच पर जांच बिठाई जा रही है, एसीटी के बाद अब विजिलेंस जांच की बात गृह मंत्री अनिल विज जी ने कहा है और दो अफसरों पे कार्रवाई भी रिकमेंड की गई है गृह मंत्री की तरफ से। अब आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए, क्या हाईकोर्ट के जज अगर इस मामले की जांच करते हैं तो आपको उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा? आदरणीय मित्र, जैसा कुमारी शैलजा जी ने कहा, स्पेशल अगर हाईकोर्ट के सिटिंग जज जांच करेंगे और एसआईटी उनके तहत काम करेगी, इसे कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कहा जाता है, जैसा उन्होंने फरमाया, कोर्ट मॉनिटर्ड जांच ही, क्योंकि ये जांच केवल एक अधिकारी दो अधिकारी किसी एक एसएचओ एक क्लर्क एक पीएन के खिलाफ नहीं, अब इसके तार एससीटी की रिपोर्ट के 10 निष्कर्षों के मुताबिक सीधे सीधे हरियाणा के सचिवालय पहुंच गए हैं। तो ऐसे में जांच सचिवालय में बैठे लोगों के अधीन लोग कैसे कर पाएंगे? और इसीलिए शैलजा जी ने और मैंने ये मांग रखी है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज, जो कि एक न्यूट्रल निष्पक्ष व्यक्ति हैं, जिसका संविधान और कानून में प्रावधान है, अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि वो या उनका कोई व्यक्ति या मंत्री दोषी नहीं, तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से एसआईटी की जांच हो ताकि सही सही दोषी व्यक्ति और उच्च पदों पर बैठे सफेदपोश और अफसर वो सब बेनकाब हो सके। धन्यवाद भाई साहब। ये सफेदपोश जो आपने शब्द यूज किया है, क्या कोई आपके पास जो रिपोर्ट आई है उसमें आपको लगता है कोई नाम आप उजागर करना चाहेंगे कि सफेदपोश कौन हो सकते हैं? मैं और कुमारी शैलजा जी कभी भी झूठे इल्जामात लगाने पर, बेबुनियाद इल्जामात पर कभी यकीन नहीं करते। पर मित्र, मेरा आपसे और आप वरिष्ठ पत्रकार एक अनुरोध रहेगा, अगर वो 10 निष्कर्ष जिनकी चर्चा कुमारी शैलजा जी ने की है आप देख लें और मैंने जो की है, तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये तार कहां तक जुड़े हुए हैं। बाकी चीजें जांच के बाद साफ हो जाएंगी। धन्यवाद। क्वेश्चन प्लीज, शैलजा जी विल टेक दैट। जी कमल जी, अनम्यूट कर लीजिए। कमल भाई पूछिए, शैलजा जी इंतजार कर रहे हैं। कमल भाई आवाज अनम्यूट कीजिए। कमल जी, प्रशांत आप कमल को अनम्यूट कर दीजिए। उनकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द मीनवाइल। हां कमल जी बोलिए। मैडम ये था कि जिस प्रकार से विज साहब ने भी कहा है कि सारी चीजें हुई हैं और दो अधिकारियों पर भी है, गाज गिर सकती है ऐसा अनुमान लग रहा है, लेकिन क्या लगता नहीं कि विज साहब की बात को भी कोई तवज्जो नहीं मिलती, क्योंकि वो भी लगातार कहते हैं कि हाँ कुछ हुआ है, दाल में काला है, और रिपोर्ट में भी उन्होंने जैसे रिकमेंड किए हैं दो लोगों पे, मान लो जो अधिकारी है इसमें शामिल है, तो क्या लगता नहीं कि इस सरकार में विज साहब की भी सुनवाई नहीं होती? अब ये तो इनके सरकार की बात है जो सवालिया निशान खड़ा करती है, और तभी आपने भी ये सवाल पूछा है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल उठते होंगे, और इसका आप तार वहां तक ले जाइए कि शुरू में एसआईटी घोषित की गई, लेकिन साथ में मुख्यमंत्री जी ने आनन फानन में फिर एसईटी बना दिया उसे, तो हमें मालूम नहीं है कि कौन कहां क्या इंचार्ज है और क्या कर पाएंगे। इसीलिए बुनियादी सवाल ये उठता है कि क्या हम इन पर विश्वास कर सकते हैं कि जो अंजाम तक ये जाना चाहिए वो जा पाएगा। इसलिए रणदीप जी ने और मैंने आपसे, हम ये मांग कर रहे हैं, आपसे नहीं, हम ये मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच हो, तभी कुछ बात साफ सामने आ सकती। थैंक यू। अभिषेक जी। हाँ
गो अहेड अभिषेक भाई। मैम मेरा आपसे भी है और रणदीप जी से भी एक सवाल है, जवाब चाहे आप दे चाहे रणदीप जी दे। जैसे अभी एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें गृह मंत्रालय की ओर से एक्साइज डिपार्टमेंट को इसमें दोषी ठहराया गया, वहीं अभी पत्रकार वार्ता दी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की, उन्होंने कहा कि पुलिस का दोष है इसमें, सिर्फ ड्राइवर तक जांच की गई, जितनी भी एफआईआर रही उसमें ड्राइवर तक सीमित रह गई और बाकी ऊपर वाले जो लोग हैं उनको इसमें बचाया गया, उनका इसमें जांच में शामिल नहीं किया गया। तो अब जो ये जांच है ये आपस में एक्साइज वर्सेस पुलिस हो गई, किस तरह देखते हैं सारे प्रकरण को, जैसे कि आप कह भी रहे हैं इसमें? ये प्रकरण वही है जो अभी हमारे साथी ने जिस ओर इशारा किया कि यहाँ पर कौन किसको दोषी ठहराना चाह रहा है सरकार में हमें ये मालूम नहीं, लेकिन जैसा कि रणदीप जी ने कहा कि जिसकी तार सीधी सीधी इस इवन एसीटी की रिपोर्ट जो दिखा रही है दर्शा रही है कि ये सारी तारें कहीं ना कहीं जाकर सचिवालय में जुड़ेंगी, वहां पर निकलेंगी, तो इसकी जांच तभी तो निष्पक्ष हो पाएगी, वरना एक विभाग दूसरे विभाग को के ऊपर दोष डाल देगा तो असली जो मुजरिम है वो तो निकल जाएंगे और असली मुजरिम कौन है उसको सिटिंग जज ही निकाल पाएगा। आदरणीय मित्र, एक लाइन में और जोड़ना चाहूंगा शैलजा जी की बात में। देखिए, जो हमारी मांग है वो इसी विरोधाभास से साबित होती है। सबसे पहले गृह मंत्री एसआईटी बनाते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री 24 घंटे में एसआईटी को खारिज कर एसीटी बना देते हैं। एसीटी कहती है उन्हें जांच का तफ्तीश का अधिकार ही नहीं दिया गया, उसके बावजूद भी 10 निष्कर्ष निकाल कर सरकार में उच्चतम पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे हो जाते हैं और फाइंडिंग्स आ जाती हैं। गृह मंत्री अब आबकारी और कराधान विभाग की ओर दोष मढ़ने या दोष होने के ओर इशारा कर देते हैं साफ तौर से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आबकारी और कराधान मंत्री गृह मंत्री और गृह मंत्रालय पर दोष मढ़ देते हैं या कहते हैं वो दोषी हैं। जब सरकार में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री एक दूसरे पर दोष मंड रहे हैं तो एसएचओ जांच कैसे करेगा कि दोषी कौन है? इसीलिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच ही फैसला कर सकती है कि दोषी है कौन। मुख्यमंत्री दोषी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आबकारी और कराधान मंत्री दोषी हैं, गृह मंत्री दोषी हैं या उनके नीचे बैठा कोई अधिकारी या राजनेता दोषी है। इसीलिए हमारी इस मांग का ये विरोधाभास पुरजोर तरीके से समर्थन करता है। धन्यवाद। डॉक्टर सुरेंद्र दीवान जी ज्वाइन किया सर, सर आप कुछ पूछना था? शैलजा जी विल टेक दैट क्वेश्चन। दीवान सर। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा लेट हो गया है, कोशिश तो की थी जुड़ जाएं लेकिन फिर क्योंकि लेट हो गया, वहां पर डिप्टी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी लंबी चल गई है और जो आपने और मैडम ने जो बताया होगा वो मुझे क्योंकि पता नहीं, पर मैं आके अंदाजा लगा सकता हूँ कि हाई कोर्ट की सिटिंग जज की मांग आप एसीटी की रिपोर्ट के आने से पहले भी कर रहे थे और एसीटी की रिपोर्ट आने के बाद भी जो मैंने और आप मैडम शैलजा का और आपका सुना है सुजला साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, कुछ थोड़ा सा आपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैंने सुन लिया थोड़ा सा पार्ट कि आप इसमें एसीटी की रिपोर्ट को लीगल एंगल से एज ए वकील भी आपने इसको पढ़ लिया है, इसकी तीन चार या पांच मोटी मोटी जो समझ में आई है हो सकता है वो रिपीट कर दें, आपको पहले भी बोल दिया होगा लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा हूँ वो क्या बिंदु हैं, वो क्या इशारा कर रहे हैं और स्पष्ट तौर पे जैसे डिप्टी सीएम ने कहा मैं इसको आबकारी भाग के बारे में की सारी टिप को खारिज करता हूँ, इसकी वर्डिंग जब मैंने पूछा कि क्या आप इसको स्वीकारते हैं अस्वीकार करते हैं तो उनका मैं टोटल अस्वीकार करता हूँ और केवल ये पुलिस का मामला था कि जो ड्राइवरों तक सीमित कर दी जांच। अब आप इस पर मैडम शैलजा कुछ कहना चाहें तो? वैसे तो रणदीप जी ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे, जैसा आपने कहा वकील हैं और बारीकियों को समझते हैं, लेकिन एक बिंदु पर मैं आपका जरूर ध्यान लाना चाहूंगी कि आप मुझे ये बता दीजिए कि एसीटी ने स्वीकारा है, एसीटी ने ये स्वीकारा है कि लॉकडाउन की अवधि में शराब की बिक्री पर रोक लगाने तथा शराब के ठेके बंद होने के बावजूद भी एक्साइज टैक्सेशन विभाग ने खुलकर शराब की ट्रांसपोर्टेशन के परमिट वे पास जारी किए,
आप चैप्टर 5 पढ़ लीजिए प्लीज, पैरा 8 पेज 31। इसके अलावा आप बताइए, लॉकडाउन की अवधि में 1 अप्रैल 20 से लेकर 5 मई 20 तक हरियाणा स्थित शराब की 3 फैक्ट्रियां शराब बनाती रही। कृपया ये भी आप देख लीजिए चैप्टर 5.8 पर। वैसे हमने 10 पॉइंट्स इसमें रेज किए हैं, तो वो आपको अभी हम दे देंगे। हमारी जो प्रेस विज्ञप्ति है आपके हाथ में आ जाएगी। बाकी मैं पॉइंट्स बहुत सारे हैं जो मैंने शुरू में पढ़े थे, बताए थे। रणदीप जी आप भी 2-4 बात और बोल दीजिए डॉक्टर साहब की जानकारी के लिए। वैसे सब बाकी सभी साथियों ने सुन लिया। आदरणीय धीमान साहब, बिंदु सब आ गए, पर बिंदुओं से ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो आज आपके मुताबिक उप मुख्यमंत्री जी ने कही वो महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री पहले, गृह मंत्री एक SIT बनाते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। मुख्यमंत्री खट्टर साहब उसे खारिज कर स्पेशल इंक्वायरी टीम बना देते हैं। स्पेशल इंक्वायरी टीम 10 बिंदुओं पर सरकार में आला पदों पर बैठे लोगों को शराब माफिया और शराब तस्करी में संलिप्त पाती है। अब उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई कमेटी को खारिज कर रहे हैं रिपोर्ट को। देखिए, ये शायद अपने आप में चौंकाने वाला तथ्य है। आपको साधुवाद के आप ले आए, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यानी दुष्यंत चौटाला जी, मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा बनाई गई स्पेशल इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रहे हैं। और गृह मंत्री यानी अनिल विज जी कह रहे हैं कि यहां दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का विरोधाभास, झगड़ा, और गृह मंत्री एक्साइज मिनिस्टर पर यानी दुष्यंत चौटाला पर दोषी होने का उनके विभाग पर आरोप लगा रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गृह मंत्रालय पर दोषी होने का आरोप लगा रहे हैं। और अब तो हद ही हो गई, जब दुष्यंत चौटाला जी खट्टर साहब द्वारा बनाई गई स्पेशल इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट को ही खारिज कर रहे हैं, तो दोस्त जांच करेगा कौन? इसीलिए ये साफ है कि यहां दाल काली नहीं, पूरी किस्म दाल में काला नहीं, माफ कीजिए, पूरी की पूरी दाल काली है और बिल्ली दूध की रखवाली है। इसीलिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मॉनिटर्ड जांच होगी तो ही सामने आएगा कौन कौन दोषी हैं या सब दोषी हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हितेंद्र राव जी भी साथ जुड़े हैं, सब पूछ लेते हैं। हितेंद्र राव जी, आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज। संजय जी गो अहेड। हितेंद्र राव जी हैं सर। जी भाई सर, हितेंद्र जी गो अहेड प्लीज। मुझे कोई सवाल नहीं पूछना रणदीप जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बट ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड शैलजा जी। जी भाई, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। कैन वी कंक्लूड कर सकते हैं? जी, थैंक यू शैलजा जी, और मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम, जैसा आपने सजग तौर से पहले भी शराब घोटाले को उजागर करने में पत्रकार मित्रों का रचनात्मक योगदान रहा, अब जब पूरा घोटाले की परतें खुल गई हैं, तो हम आपका रचनात्मक सहयोग की उम्मीद कुमारी शैलजा जी, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और मेरी और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की ओर से करेंगे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। नमस्कार। नमस्कार।